Hello everyone, I Rajkumar Gupta welcome you all on the video session of Jagran Josh. Today we'll discuss about the IBPS PO examination. This examination is conducted by IBPS, which is an individual organization which conduct the test for the various banks. It contains 19 different banks. इसमें 19 डिफरेंट नेशनलाइज बैंक्स हैं जो कि इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. ये एग्जामिनेशंस तीन डिफरेंट स्टेजेस में होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है इस एग्ज़ाम को दे सकता है. इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में. ऑन द अदर हैंड जो बच्चे SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके अगर ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होंगे तो भी वो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं. रीसेंट ईयर में जो एक्सपीरियंस है उससे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑलमोस्ट वंस इन ईयर होता है. हर साल एक बार होता है ये एग्ज़ामिनेशन. इन एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस में वी हैव थ्री डिफरेंट स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन, यू कैन से द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, द सेकेंड स्टेज द मेन्स एग्जामिनेशन एंड फाइनल द इंटरव्यू. ये तीनों स्टेजेस IBPS कंडक्ट कराता है. आफ्टर ऑल थ्री ऑफ दीज स्टेजेस यू विल गेट एन स्कोर कार्ड एंड जब भी बैंक में वैकेंसीज निकलेंगी यू कैन अप्लाई विथ योर स्कोर कार्ड एंड बैंक इन स्कोर कार्ड्स के बेस में जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको रैंक वाइज अरेंज करेगी एंड द टॉप पीपल गेट द चांस टू गेट द जॉब. सो दिस इज व्हाट द प्रोसेस इन विच यू कैन गेट द जॉब इन टू अ बैंक, अ नेशनलाइज बैंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ डज इट हैपन्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज या प्रिलिम्स की. प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में वी हैव थ्री सेक्शंस. द फर्स्ट इज इंग्लिश जिसके 30 क्वेश्चंस होते हैं. सेकंड इज रीजनिंग जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं एंड थर्ड इज द मैथ्स जिसमें फिर से 35 क्वेश्चंस होते हैं. इन दिस वे हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और जो टाइम अलॉट है दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, द 1 आवर. नाउ वी हैव द 1 आवर टाइम्स एंड द टोटल 100 क्वेश्चंस. ड्यूरिंग दिस टाइम इन एग्जामिनेशन यू नीड नॉट टू ओनली स्कोर द मैक्सिमम, ऑल्सो यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ फॉर इंडिविजुअल सेक्शन. अगर आप ओवरऑल स्कोर ज़्यादा भी लेकर आ जाते हैं लेकिन अगर आपका हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है हर एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करना, साथ ही साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना. इसके लिए हम इंडिविजुअल सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम अलॉट करते हैं. ये कट ऑफ वेरी होती है. दिस इज़ नॉट गिवन, पहले से कट ऑफ गिवन नहीं होती कि कितने मार्क्स आपको लाने होंगे इंडिविजुअल सेक्शन में. जब रिजल्ट आता है उसके साथ ही कट ऑफ क्लियर होती है. इसलिए हम पहले से ये प्लान नहीं कर सकते कि हमें किस सेक्शन में एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन करने हैं. लेकिन हम एक बात डिसाइड ज़रूर कर सकते हैं, अगर कोई सेक्शन टफ है तो सभी बच्चे कम क्वेश्चन करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन ईजी है तो सभी बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे. जब सब बच्चे कम क्वेश्चन करेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी. सो नाउ हाउ वी कैन डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटैम्प्ट. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन, वी डू नॉट डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी शुड अटैम्प्ट, वी डिसाइड हाउ मच टाइम वी नीड टू डिवोट इन अ पर्टिकुलर सेक्शन. बिकॉज इफ पेपर इज डिफिकल्ट, कम टाइम में कम क्वेश्चंस होंगे, कट ऑफ भी नीचे जाएगी. इफ पेपर इज ईजी, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे एंड कट ऑफ भी ऊपर जाएगी. दैट्स वाई वी डिवाइड टाइम इन द थ्री सेक्शन सो दैट वी कैन क्लियर द इंडिविजुअल कट ऑफ. Also, we can spare some extra time to the section in which we are strong enough so that we can clear the overall cutoff. For example, if there is a student belongs to Hindi medium, so not very good at English, but very good at maths, so he should think about just clear the cutoff for the English. Means, on an average, if we look at the past year's patterns, we'll find sectional cutoff is approximate 20-30% marks. Generally, we can say 30% marks. So, student has to think about 30% marks to get into the English. While the overall cutoff is approximate 40-45%. So, the extra marks jo hume chahiye hain, wo hum us section se le sakte hain jo hamara strong hai. Like, aapka maths strong hai, aap maths mein 70% marks lekar aaiye,
आपका इंग्लिश वीक है, वहां पर आप 30% लेकर आइए, बैलेंस हो जाएगा 50% पर. सो यू विल बी एबल टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज द ओवरऑल कट ऑफ. एंड फॉर दिस यू हैव टू डिवाइड द टाइम, नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज समटाइम्स इट मे हैपन इफ ए सेक्शन इज ईजी द कट ऑफ मे राइज. सो डोंट स्टिक विथ 30%, जस्ट लुक एट द टाइम यू टेक इन जनरल टू क्लियर द कट ऑफ एंड विच यू कैन अश्योर थ्रू द नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज, नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म लाइक वी प्रोवाइड एट jagranjosh.com. नाउ इन द सेकेंड स्टेज और यू कैन से मेन्स, वी हैव 200 क्वेश्चन डिवाइडेड इन टू 5 सेक्शंस. नंबर 1 इज क्वांट, इट कंटेन्स 50 क्वेश्चन. नंबर 2 इज द रीजनिंग, अगेन इट कंटेन्स द 50 क्वेश्चन. नंबर 3 इज इंग्लिश, कंटेन्स 40 क्वेश्चन. नंबर 4 इज द जनरल अवेयरनेस विच हैज 40 क्वेश्चन. एंड द 5th इज द कंप्यूटर अवेयरनेस विच कंटेन्स 20 क्वेश्चन. सो इन दिस वे वी हैव टोटल 200 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स. सो यू हैव टू मैनेज टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ ऑल द सेक्शंस. नाउ वील डिस्कस अबाउट द क्वांट सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ IBPS PO. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन द वेरियस टॉपिक्स आर शोन ऑन द स्क्रीन. यू कैन लुक एट द स्क्रीन एंड यू कैन फाइंड किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे मैथ्स में रिसेंट के ईयर्स में. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिवोट यूर टाइम एंड यू कैन मेक योर स्ट्रेटजीज. नाउ एज वी आर सीइंग द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द टॉपिक अर्थमैटिक. सो अर्थमैटिक इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द IBPS PO एज वेल एज DI पार्ट. DI के जो क्वेश्चन है अगेन दीज आर बेस्ड ऑन यू कैन से द परसेंटेज जनरली और समटाइम्स बेस्ड ऑन रेशियो एंड एवरेज. दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ यू कैन से अर्थमैटिक. सो अर्थमैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बैंक PO एग्जामिनेशन. इस अर्थमैटिक को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, नाउ यू कैन सी ए सिंगल क्वेश्चन इन वेरियस टॉपिक्स. लाइक इफ आई विल से A scored 20% more marks than B, this is a simple question of percentage. On the other hand, if I'll say the sales price of an object is 20% more than the cost price, now this becomes the part of, you can say, profit loss and discount. On the other hand, if we say the speed of car A is 20% more than car B, this becomes the part of time, speed and distance. Although we have the same data and the same questions, but in general, we solve these questions in different topics, in different methods. So, agar aapko arithmetic strong karna hai, so we have some fixed logics which are based on percentage or ratio which you can apply in all the topics simultaneously. So, agar aapko arithmetic mein time save karna hai, so you must be good at some of the things. Now, the number one is the calculation, because arithmetic is all about the calculation speed. So, if you are good at calculation, you can solve the questions quickly. Now, the second, good at logics. Good at logic means you must try to understand the question. You should not divide the question on based on topic. You should divide the question based on the type of questions. So, we have very limited type of questions, but they repeat again and again in the different names as we discussed earlier. So, focus on the question, try to understand the question, not just what written on the words, because sometimes the same questions can be have in the two different topics and we may have the different methods to solve. So, hamari methods hum kam karein, un par achhe se focus karein taki hum kam time mein solve kar sakein. Now, let's talk about DI. Data interpretation, every single year we find a question on DI, and the good thing about the DI is we always found the question in groups. Means you have a set of 4 question or 5 question with one question in DI. So, agar aap DI mein ek set solve kar rahe hain, matlab you are solving 5 questions simultaneously. So, this is what the biggest advantage of DI. Again, for DI, you need not to have the new logics, like you have to use the same as we have learned in the percentage. Wahi percentage aapko use karna hai ya ratio use karna hai DI mein. Now, the different thing is what? DI mein jo data hoga, that will be in the form of graph. इसके लिए आपको ग्राफ को स्टडी करना आना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्राफ कैसे आपको पढ़ना है. जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं एंड वी डू नॉट लुक एट द ग्राफ. सो ग्राफ की तरफ सबसे पहले आप ध्यान दें, उसमें क्या डेटा गिवन है, उसको ब्रेक कैसे करना है, और DI का सेट शुरू करने से पहले
सारे सेट्स पहले एक बार आप एनालाइज कर लें कि कौन सा सेट आप विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर सकते। गिव वन और टू मिनट्स टू दिस सो दैट, क्योंकि अगर आप डी आई में स्टक हो जाते हैं यू विल एटलीस्ट लूज 5 to 10 minutes विच मे बी क्रिटिकल फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑन द अदर हैंड अगर आप डी आई को इमिडिएटली ब्रेक कर सकते हैं तो एक सेट में आपको 5 marks मिल सकते हैं, मे बी दो सेट में 10 marks भी मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई डी आई में क्वेश्चन सेलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डी आई इज ऑल बेस्ड अपॉन द अरिथमेटिक एंड द कैलकुलेशंस। ओके नाउ इसके लिए जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न है जो स्टैंडर्ड आपको मिलेगा द टेबल बेस्ड बार ग्राफ एंड द पाई चार्ट, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू ऑलवेज फाइंड इन द डी आई। सो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, वेरियस पाई चार्ट्स आप देखें, उनको स्टडी करने का पैटर्न देखें। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन पाई चार्ट आर गिवन इन द परसेंटेज आपको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता एक्चुअल वैल्यूज में, यू कैन ऑलवेज सॉल्व डायरेक्टली विदाउट गेटिंग द एक्चुअल वैल्यूज बिकॉज दे ऑलवेज आस्क आंसर्स इन द परसेंटेज। सो यू कैन अज्यूम एनी सूटेबल वैल्यू बिकॉज दिस इज अ ट्रैप लाइक इन एन एग्जामिनेशन। सपोज देयर इज अ पाई चार्ट इन दिस दे आर शोइंग कि देयर वर 560 स्टूडेंट्स in a school and they have given the breakups in the pie chart that 30% students lies in the commerce, 20% in math science and rest in the arts. So and now they ask some questions about the maths, kitne percent bacche hain total ka ya fir maths commerce ka kitna percentage hai. So is case mein aapko actual value nikalne ki zarurat nahi padegi because actual value nikalne mein you will waste your time, you can directly compare based on the percentage. Now sometimes they give the value very typicals like 560 usme ab aapko kuch percentage nikalna hai 17% 20% 30% to unko calculate karne mein time bhi zyada lagta hai. So DI is more about strategy less about solving and then we'll talk about the geometry and the mensuration. The most of the students who are not good at maths they generally afraid of you can say the geometry and the maths and the reason is what, बिकॉज ज्योमेट्री और मैंसुरेशन में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या याद रखें। सो इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री और मैंसुरेशन को सॉल्व करते वक्त उनके फॉर्मूले याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है उन फॉर्मूले को एनालाइज करना, ये समझना कि बने कैसे हैं, उनको विजुअलाइज करना। वी हैव जस्ट वन और टू बेसिक फॉर्मूला लाइक द एरिया। एरिया इफ ए ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल यू कैन फाउंड बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ two perpendicular sides. If the triangle or the figure is closed at one end like triangle we multiply it by half. On the other hand circle ka area is what pi r square. Now ab agar hame kabhi volume nikalna hai so volume is the area into height. So we have the formula of area, now multiply the area by height you will get the formula of volume. So aise karke hum formula ko divide kar sakte hain, break kar sakte hain aur easily unko form kar sakte hain. Because one cannot learn all the formula at the same point of time and apply. तो उस burden को कम करने के लिए जिन बच्चों का maths बहुत strong नहीं है, जिनको geometry और mensuration में problem होती है, they should work little bit on breaking the formula. उनको break करें, उनको बनाएं और फिर उनको apply करें।